ये सब क्या है चौधरी? चौधरी के साथ दुश्मनी मोल लेने का फल। जगत सिंह, निहत्थे पर वार करना मरद का काम नहीं। नहीं तो तुझको अपनी बंदूक देकर तुझसे फायर कराऊं। मारो इसे। गुलाब सिंह, यह है क्या? चलो पीछा करें। गुलाब सिंह, सरदार, जा उठा के ले आओ उस बच्चों को मेरे पास। ला। होश आ गया बेटे, होश आ गया। नारो बेटे, नारो। बेटे, क्या नाम है तेरा? तेरा गांव कहाँ है? तेरे बाप का नाम क्या है बेटे? नहीं बोलेगा? ओए ओए, गुलाब सिंह, शायद इस हार से इसका पता मालूम हो सके। क्यों, क्या ख्याल है? ठीक है सरदार, इस वक्त ये अपने होश में नहीं। इसको अपने अड्डे पे ले चलते हैं, बाद में सारा पता लगा लेंगे। हाँ, ये कुछ बात बनी, चलो। अपने दीपू के बाप की लाश तो मैंने अपनी आंखों से देख ली थानेदार साहब, पर अपने दीपू के लिए मैं कैसे जबर करूं? बहन जी, कोई फिक्र न कीजिए, कानून की नजर से आज तक कोई नहीं बच सका। खुशीराम का कातिल भी पकड़ा जाएगा और आपका बेटा भी जल्द ही मिल जाएगा। ईश्वर के रंग न्यारे हैं थानेदार साहब, उसका खेल वही जानता है। हम तो बस इतना ही जानते हैं कि अच्छे लोगों को ईश्वर जल्दी ही उठा लेता है। जरनैल सिंह डाकू को मौत भी नहीं आती। चौधरी, इस जरनैले को भी देख लेंगे, समझे? बहन जी, सब्र से काम लीजिए, फिक्र न कीजिए, पुलिस पूरी पूरी कार्रवाई करेगी। चलो।
मेरे लाल, पता नहीं तो किस साल में होगा। माँ, मेरी सारी कोशिशें बेकार हो गई हैं। मुझे तू ही बता दे कि मैं इस बच्चे का क्या करूं। इस बच्चे के माँ बाप शादी से बिछड़कर पागल हो गए होंगे। माँ, तू क्या नहीं जानती, तू जगह जननी है। तू अच्छी तरह जानती है माँ कि एक बच्चे को माँ की कितनी जरूरत होती है। जय माँ, 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 जय माँ। प्रताप सिंह, मक्खन सिंह। क्या गया है सरदार? कोई आज्ञा नहीं, खुश सभी है। माँ ने प्रसन्न होकर मुझको आज एक बेटा दिया है। ये आज से मेरा बेटा है। इसका नाम है शेरा। शेरा गुलाब सिंह, रख दो घोड़े को यहाँ, बिठा दो यहाँ। अरे सुनो, ओ शेरा मेरा शेर बेटा, ओ शेरा मेरा शेर बेटा, इसकी रीस कर ना को। मेरे शेर, और मेरे शेर बेटे गुलाब सिंह, हाँ दुलारी को जियो बेटा, जियो जियो बेटा। माँ माँ माँ, मैं पास हो गई। मेरी लाडो पास हो गई। हाय हाय मेरी रानी। Thank you.
Thank you.
बेटा शेरा, क्या है? आज का दिन तो हम सभी के वास्ते बहुत खुशी का दिन है। आज हमने तुझे अपने सरदार बनाया है और तू सर झुकाए बैठा है। बापू, तेरा शेरा किसी बहन बेटी को इस तरह नाचते हुए नहीं देख सकता। ओ सुन लो भाइयों, एक नाचने वाली माशूका हमारे सरदार की बहन। बापू, क्या आज के दिन बाप अपने बेटे की बात मानेगा? चेहरा, मैं तेरा बाप जरूर हूँ, मगर इस ग्रोह का हर आदमी अपने सरदार की बात को पत्थर की लकीर समझता है। तू हुक्म कर। आज सारे कान खोलकर सुन लो, आज से यहाँ नाच और गाने की महफिलें नहीं सजेंगी, माँ और बहनों की इज्जत पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। शाबाश बेटे शेरा, शाबाश। मैं जिस घड़ी की इंतजार में आज तक जी रहा था, आज वो घड़ी आ गई है। आज मुझे पूरी तसल्ली हो गई है कि तू मेरे मरने के बाद अपनी अच्छी असूलों पर चलकर मेरा नाम रोशन करेगा। बेटे, आज तू सरदार बनकर अपने पहले इम्तिहान में कामयाब हो गया है। बापू, आज से शेरा परमेश्वर के नाम का सहारा लेकर अपने पिछले जन्म की सजा को हंस हंस के भुगतेगा और आने वाले जन्म को सुधार लेगा। जिस तरह गुरु महाराज ने कहा है, अच्छा यहाँ बुरा यहाँ वाचे तम दूर, करनी अपो अपनी कै नेड़े कै दूर। जोगिया वे जोगिया, हर वे सोनी जोगिया। कुछ भी नहीं, कुछ नहीं है बिन तेरे, कुछ नहीं है। बाहों का सहारा दे दे, जीने का बहाना दे दे। तू ही है, बस तू ही है, बिन तेरे कुछ नहीं। मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं। कांग्रेचुलेशंस मिस निर्मला। सेम टू यू। अरे निर्मला, MBBS पास करने के बाद तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? ओफो, ये भी कोई पूछने की चीज है? किसी अच्छे से डॉक्टर की बाह पकड़कर हमारी निर्मला भी शहर की बड़ी डॉक्टर बनेगी। तू गलत कह रही है सुशीला, शहर में पढ़ने का ये मतलब तो नहीं है कि पढ़ लिख कर शहर में ही बस जाओ। मैं इस धरती की आस किस तरह तोड़ सकती हूँ जिसमें मैंने जन्म लिया है? गाँव के लोगों की सेवा करने के लिए ही मैं डॉक्टर बनने का सपना देख रही हूँ। छोड़ दिए लेक्चर, ऐसे बहुत सुना है शहर के पढ़े लिखे आजाद ख्याल लड़के भला गाँव के गंदे माहौल में किस तरह रह सकती है। हम भी देखेंगे, कहना बड़ा आसान है डियर। गंदे माहौल को साफ करना ही हमारा धर्म है। मेरी तो तुम सबसे भी यही विनती है कि तुम सब भी शहर की नकली चमक दमक को छोड़कर अपने गाँव की और अपने देश की असली तस्वीर देखो। अच्छा निर्मल, देश की तस्वीर देखते देखते कभी कभी अपनी तस्वीर भी भेज देना, भूलना नहीं। विश यू गुड लक। ओके, बाय 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 बाय। ये लो, जाके कंपाउंडर से दवाई ले लो, कल तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहब, खाने पीने के लिए? ऐसा कोई खास परहेज नहीं, हल्का खाना खा सकते हो। अच्छा डॉक्टर। आजा मुन्ना, अब तेरा नंबर है। फिर क्या हो गया तुझे? गन्ने तोड़ने गया था तो मुझे पत्थर चुभ गया। अच्छा, तो तुझे ये तेरी चोरी की सजा मिली है। चल कोई बात नहीं, जा विजय के पास पट्टी करवा ले। देख फिर गन्ने मत तोड़ना। अब तुम आ जाओ। क्या तकलीफ है तुम्हें?
अरे आ जल्दी जल्दी आओ, थक गई है तो समझा के, हाय मैं मर गई। अरे बदमाश लड़कियों को छेड़ता है, चलो चलो जल्दी छेड़ी चलो। ओए हाय, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बस है मौसी, अचारा का सारा घर ही लेके आ गई। बात यह है बहन जी के घर में मुझको फुर्सत नहीं मिलती, आफत ही आफत आ पड़ी है। ये जो लड़की खड़ी है ना, इसको जुलाब लगे में अभी तक ठीक नहीं हुए, और ये जो लड़का है कल बर्फ के 12 गोले खा गया बाप का माल समझ के। इसका गला खराब है, इसको बुखार है, इसकी आंख दुख रही है, इसकी टांग खराब है, यानी कुछ ना कुछ चक्कर चल ही रहा है। और आजकल फिर मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं रहती है। तुझे क्या हो गया मौसी? अरे चुप हो जा, क्या कहूँ कैसे कहूँ, तू कुंवारी है तुझसे मुझे कहते हुए शर्म आती है। डॉक्टर के सामने क्या शर्म, मुझे 12वां बच्चा होने वाला है। इतने सारे सवालों का एक ही जवाब है, क्या छोटा परिवार सुखी परिवार। तूने बड़ी जल्दी मुझे हुक्म दे दिया, जो 12 बच्चे पैदा होने से पहले डायरेक्शन देती तो। अरे भगवान मैं कहाँ जाऊँ। अरे चुप कर सरगम, मुझे लगता है तेरा बाप म्यूजिक डायरेक्टर बन गया सारे का पैदा नहीं था। ये लो मौसी, सबकी दवाई लिख दी है, विजय के पास जाके ले, इसी में लिखी है। किसको दिखाऊं? विजय को। कौन विजय? मेरी कंपाउंडर। लड़की का नाम है ये? अरे बाहर लेके जा इसको। ये अपना नहीं है। अरे चल चल जल्दी जाओ। चलो रेल दे डिपो। बहन जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्ते चाचा। जीते रहो बेटे, पर मैंने तुझे पहचाना नहीं। अपनों को तो हर कोई पहचान लेता चाचा, जरा ध्यान से मेरी शक्ल की तरफ तो देख। मैं नरेंद्र हूँ चाचा, नरेंद्र। ओ तू निन्नी। हाँ बेटा, एक जमाने के बाद चाचा की याद किस तरह आ गई। चल बेटे चल चल अंदर चल। हाँ बेटे, पहले मुझे ये बता, घर पर सब ठीक ठाक है ना? बैठ बेटे बैठ बैठ। सब अच्छे वाले हैं चाचा, मगर तुझे बहुत याद करते हैं। बड़ों के आगे झूठ नहीं बोला करते, मेरे माँ जाए भाइयों के साथ साथ तू भी अपने गाँव को भूल गया। चाचा हमारे बुजुर्गों ने सबसे बड़ी भूल ये की जो गाँव को भूल कर शहर में जा बसे, जिन्होंने ये नहीं सोचा कि गाँव ने ही शहर को जन्म दिया है, शहर ने गाँव को नहीं, ये गांव ही शहरों के अन्नदाता हैं। अपने भाई को पहचान रहा है बेटे? यह है मेरा बेटा मिल्खा सिंह, इसने हमेशा अपने आप को मेरी नहीं देश की मिल्खियत समझा। यह सत श्री अकाल का नारा लगाकर दुश्मन के टैंक पर कूद पड़ा था बेटे। यह है मेरा बेटा जगत सिंह, जिसने हमेशा वाहगुरु के पास से शहीद आजम भगत सिंह की तकदीर मांगी थी, और 1962 की हिमालय की बर्फीली जंग में तकदीर ने इसका हंस हंसकर साथ दिया था। जय जवान जय किसान। चाचा अपनी थोड़ी सी जमीन थी उसका क्या हुआ? जमीन जमीन बेचारी सूनी गोद लेकर धूप में जलती रहती है, उसके सीने में पड़ी हुई है बड़ी बड़ी दरारें, वो आंखें फाड़ फाड़ कर अपने बिछड़े बेटों की राह तकती रहती है। निंदी आज उस माँ का इंतजार खत्म हो गया चाचा, मैं अब गांव में आ गया हूँ, मैं अपनी जमीन में हल चलाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा अनाज उगाऊंगा। अच्छा चाचा, पहले मैं अपनी बरसों से बिछड़ी हुई माँ के दर्शन कराऊं। गोरी सोच के खेत में आ नक तेरे लिए दिल मचले,
कि तेरे लिए दिल मचले मेरी सास ननंद मारे ने और मेरी सास ननंद मारे ताने के ऐसे मत खेल पगले के हाँ जी आ गया जी लो आ गया जी हाँ जी इस वक्त कहाँ भटक रहा है किपनिक मनाता फिर रहा हूँ जी किपनिक किपनिक वो क्या होता है इसी से पता चलता है कि तुमको अंग्रेजी नहीं आती मुझे पॉइंट बाई पॉइंट समझाना पड़ेगा किपनिक मैंने होता है सैर सपाटे के बच्चे रात होने वाली है चल मेरे साथ दौड़ चल आ जा थैंक यू फॉर द सवारी एंड द मैटर एंड द लेटर एंड द चैटर चलो चलो भाई चलो उतर नीचे रद्दू राम क्यों घर नहीं चलना अरे घर चलेंगे पहले जरा पार्वती से तो मिलते चलें चल चलो चलो मैं भी बुआ को गुड नाइट कर लूंगा चलो चलो निम्मो निम्मो आओ चौधरी जी आज कैसे आना हुआ इधर से जा रहा था सोचा जरा हालचाल पूछ लिया जाए निम्मो घर नहीं निम्मो अभी तक घर पर नहीं आई मालिक की बड़ी कृपा है नेक बाप की औलाद नेक ही निकली फिर भी पार्वती कभी अपनी जरूरत आ पड़े तो हमें भूलना नहीं तेरी सेवा के लिए हमेशा हाजिर है चौधरी जी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे अब किसी चीज की जरूरत नहीं निम्मो अपने पाँव पे खड़ी हो गई है बुआ अगर मैं बीमार हो गया तो निम्मो से इलाज करवाऊंगा पर मैं पैसा वैसा नहीं दूंगा हाँ निम्मो को बता देना क्यों रे किसने तुझसे पैसे मांगे हैं अगर मैं बीमार पड़ा तो ही पैसे मांगेगी मैं बीमार ही नहीं पड़ूंगा बकवास बंद कर अच्छा पार्वती हम चलते क्यों भाई शेरी बाबू क्या गड़बड़ हो गई यार जरा ये फाल निकल गया था इसे ठीक कर रहा हूं भाई ये तेरा काम नहीं जो किताबी भाषा समझे वो हल्की जबान क्या जानेगा है? हाँ वैसे तुम्हारा पड़ोसी है पर पड़ोसी हमारा भाई होता है चले हट जा मैं इसे ठीक कर देता हूं ये बिल्कुल ठीक है पढ़ाई के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज का होना बहुत जरूरी है पर भाई काम करना भी जरूरी है पढ़ाई लिखाई इतनी जरूरी नहीं मुझे देख काला अक्सर भैंस बराबर है पर फसल पैदा करने में सारे गांव के कान काट रखे मैंने क्यों जवान बन गया किसान ओ निंदी ये तेरी बेटे खुशकिस्मती है कि तुझको चंदगीराम जैसा एक दिलेर यार मिल गया है चाचा क्यों सवेरे सवेरे मुझे शर्मिंदा कर रहा है भला कहां ये पढ़ा लिखा शेरी बाबू निंदी और कहां मैं अनपढ़ किसान गांव का भला इसका मेरा क्या मुकाबला ओ चंदगी तू इस तरह की बातें करके मुझे शर्मिंदा कर रहा है लो कर लो बात इसमें भी शर्म उसमें भी शर्म चल भाई चल काम कर कहीं यारी को शर्म ना आ जाए निंदी बेटे तुझको खेतों में काम करते देखकर मुझको ऐसा लग रहा है कि धरती माँ के सदियों पुराने सपने अब सच्चे हो जाएंगे पर एक बात बेटे मुझको जरूर डराती है कि तू इस छोटी सी जमीन पर क्या कर पाएगा चाचा मैं तेरे विचारों को अच्छी तरह समझता हूँ मैं मेहनत और हिम्मत को अपना साथी बनाकर इस जमीन को बढ़ाऊंगा और ये जो तू बैलों के दो सींग देख रहा है एक दिन ये ट्रैक्टर के स्टेयरिंग में बदल जाएंगे और ये कुआ ट्यूबवेल में बदल जाएगा और ये झूमती हुई फसलें हीरे मोती लुटाएंगे तू ठीक कहता है बेटे तेरी ये ख्वाहिश जरूर पूरी होगी तू सच्चे रास्ते पर चल रहा है देख सच्चे रास्ते पर परमेश्वर की रोशनी हमेशा बिखरी रहती है तू अपने रास्ते पर ही बढ़ता चल तेरी हिम्मत तुझको जरूर कामयाब करेगी क्या हुआ बेटे अभी तो बहुत बड़ा जख्म है मेरे साथ चल बेटे चल ओ चल ना अरे ओ चंदगीराम जल्दी से आ बेटा जल्दी से आ जल्दी आ दौड़ के आ अरे अभी क्या मुसीबत डाली तूने रस्सी पकड़नी नहीं आती हल चलाना नहीं आता चाचा जी शहर से क्या पढ़ कर आया मेरे पास दो महीने लगा लेता तो इसके 14 साल खराब नहीं होते ओ चंदगी बातें बाद में करना चलो बेटे जा 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 चाचा इसे अस्पताल ले जा पढ़ाया था हल चलाने खेत में जा पट्टी करा ले चाचा तुम इनको ठीक वक्त पर ले आए हो नहीं तो ऐसे केस में सच्चे खो जाने का खतरा होता है बेटी ये तो पट्टी तक कराने को तैयार नहीं था इसे तो मैं जबरदस्ती खींच के लाया हूँ
इनको पहले कभी गांव में नहीं देखा चाचा। बेटे मैं तुझे बताना ही भूल गया, ये मेरा भतीजा है, ये नया नया गांव में आया है। अच्छा भला शहर में रहता था, अजीब पागलपन सवार हुआ कि गांव में आकर किसान बनूं। आज पहली बार हल पकड़ा और तेरे पास लेकर आना पड़ा। चाचा ये देख, अपनी गवर्नमेंट किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लोन दे रही है, इसलिए मैं बहुत जल्दी शहर जाऊंगा और ट्रैक्टर लेकर आऊंगा, फिर देखना ये जमीन कितना सोना उगलती है, थैंक्स टू अवर गवर्नमेंट। तुम अंग्रेजी जानते हो? जी हाँ, थोड़ी बहुत पढ़ लेता हूँ। निम्मो बेटी, मेरा निंदी बेटा खेतीबाड़ी में बीए पास करके आया है। बीएससी इन एग्रीकल्चर? यस मैडम। चल चाचा चले, मेरा काम मेरा इंतजार कर रहा होगा। अच्छा बेटी, सत श्री अकाल। थैंक यू फॉर द ट्रीटमेंट। दैट्स ऑल राइट, कल यहाँ की पट्टी बनवा लेना। ओके। चौधरी, कभी कभी एक कांटा खटकता है। वो कौन सा कांटा? खुशी की लड़की पढ़ लिख कर डॉक्टर नहीं बन गई है। और डॉक्टर नहीं बनी है ना, कोई थानेदार तो नहीं? ये तो ठीक है चौधरी, मगर कहीं उसे भेद मिल गया कि उसके पिताजी का। और बंद कर अपनी बकवास, पुलिस को तो आज तक पता चला नहीं, वो कल की छोकरी हमारा क्या बिगाड़ लेगी। अच्छा ही लल्लू उस्ताद, इनको नीचे उतारो। चाचा बदतमीजी है। कहाँ है तुम्हारा मरीज? मरीज? ये कौन खड़े हैं? हम भी तो तुम्हारे मरीज हैं। डरने की कोई बात नहीं, यहाँ तुझे आगे पीछे देखने वाला बिल्कुल कोई नहीं। बहन कौन है तू? मैं ये डॉक्टर नहीं हूँ, मुझे ये बदमाश एक मरीज देखने के बहाने जहाँ ले आए थे। सच है ये? ठीक है, चल तुझे घर छोड़ा हूँ, ये जूती पहन ले, आ जा। देख रहे हो भैया? कुछ नहीं। अंदर आओ भैया, मेरी माँ तुमको देखकर बहुत खुश होगी। चल। माँ? अगर उस मौके पर ये नहीं होते तो बदमाश मेरा न जाने क्या हाल करते। निम्मो, तुझे कितनी दफा कहा है अंधेरे उजाले अकेली लड़की का बाहर निकला अच्छा नहीं। मैं तुम्हारी बहुत आभारी हूँ बेटा, तुमने हमारी इज्जत बचाई है। इस बहन की इज्जत मेरी इज्जत है माँ जी, मैंने कोई अनोखा काम तो नहीं किया। तू किसके घर का चिराग है? मैं उस भगवान के दर्शन करूंगी जिसने तेरे जैसा लाल पैदा किया है। जी
माँ बाप का प्यार तो खुश नसीबों को मिलता है मां जी, पर घर भी वही होते हैं जहां माँ बाप हों। क्या तेरी माँ नहीं है? जो तुझको बुरा ना लगे तो मुझे अपनी माँ कह सकता है। जी तरह बेटा, ईश्वर तुझको बड़ी उम्र दे, नेकी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की शक्ति दे। देखा ने मां, बड़े लोगों की यही निशानियां होती हैं, भला करते हैं और चुपचाप चले जाते हैं। मां मैं भी आज बहुत खुश हूँ। माँ जाया ना सही, मुंह बोला भाई तो मिल गया। उन बहनों की भी क्या जिंदगी है माँ, जिनके भाई ना हो। मेरी नींद चुरा के, मेरा चैन चुरा के, तुमको मिला क्या दिल धड़का के, फिर दिल को तड़पा के। हो, हो, हो। लड़का लड़की को प्यार करता है, लड़की लड़का को प्यार करता है, तो गॉड को क्या प्रॉब्लम हो सकता है? गॉड को प्रॉब्लम नहीं है डॉक्टर, अपुन को प्रॉब्लम है। मेरे बारे में क्या ख्याल है, इसके बारे में क्या ख्याल है, ओ इसके बारे में क्या ख्याल है, मेरे बारे में क्या ख्याल है। चलते मेले में एक हूर परी, सरमाई री तेरी चल जिगर को भाई। क्यों भाई चंदगी राम, गाना गा रहा है? अरे गाना नहीं गाऊंगा तो टेंथ किस तरह पास होगा, तू भी गा ले। अच्छा तू गाना गा, मैं जरा नाली खोलाऊं। गुड मॉर्निंग डॉक्टर, तुम? हाँ, मरीज जब डॉक्टर के पास ना आ सके तो डॉक्टर को खुद मरीज के पास आना पड़ता है। मगर तुमको ये तकलीफ करने की क्या जरूरत थी? डॉक्टर की अपनी कोई जरूरत नहीं होती, डॉक्टर की जरूरत सिर्फ अपने मरीज की देखभाल करनी होती है। बहुत देर तक जब तुम डिस्पेंसरी नहीं आए तो मैं खुद ही चली आई। मैंने समझा छोटा सा जख्म है, ठीक हो जाएगा। बहुत से मामूली जख्म आगे चलकर मुसीबत बन जाते हैं। क्यों रे बेशरम, डॉक्टरनी को पट्टी कराने के लिए यहाँ बुला लिया? अगर तुझसे चला न जावे था तो मुझसे कहता, कंधे पर उठा ले जाता। चंदकी राम, ये मरीज कंधे पर उठाने वाला नहीं है भाई। कंधे पर नहीं तो गोद में उठा कर ले जाता। अच्छा भाई चल, पट्टी करा ली जल्दी से, खाने का टाइम हो गया। अच्छा अच्छा तू चल, मैं भी आया। बड़ा हंसमुख है चंदकी राम। और मेहनती भी। अगर मेहनत और तालीम दोनों इकट्ठे हो जाए तो सारे गाँव में सूरज चमक उठे। मुझको इस सूरज की किरण तुम्हारे चेहरे पर नजर आ रही है। वह सूरज तो मेरे आने से पहले गांव में रोशन हो चुका है, मैं उसी सूरज की रोशनी में अपना रास्ता तलाश करने की कोशिश करूंगा। मैंने कहा मिस विजय कुमारी जी। अरे क्या हुआ रधुआ? ओए होए फुट की किस्मत, हम तुम इतनी तमीज से बुलाते हैं और तुम हमको रुद्राम एमपी भी नहीं कह सकती। ओ तू एमपी कब से बन गया? कभी का, 15 साल पहले मेडल जो पास किया था। जल्दी बता डॉक्टर ने कहा है? वो किसी मरीज को देखने गई है, अभी आ जाएंगी। ठीक है तो फिर मेरा इलाज तो तू भी कर सकती है। ओ, क्या हुआ तुझे, अच्छा भला तो लग रहा है। तुझको ऊपर ऊपर से अच्छा लगता हूँ, अंदर मेरे कुछ नहीं है। क्या बीमारी है तुम्हें? मेरे अंदर जो खून है ना, कभी अप कभी डाउन, कभी अप कभी डाउन। मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है। लेकिन तुझे किसकी चिंता है जो तुझे ब्लड प्रेशर हो गया? अगर मेरी चिंता तुझको हो जाए तो तुझको भी ब्लड प्रेशर हो जाए। तू यहाँ बैठा रहे, मरीज ज्यादा बोला नहीं करते, डॉक्टर नहीं आते ही तुझको देख ले। डॉक्टर क्या लेना देना, आ गई डॉक्टर नहीं, करा ले अपना इलाज।
इसे क्या हुआ? पता नहीं, अभी तो ठीक ठाक था। कहता है मुझे ब्लड प्रेशर हो गया है। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तू जरा सुई गरम कर। मैं नहीं लगवाता सुई। बात है सरदार, इस तरह बाहर क्यों देख रहे हो? आसमानों में चांद ढूंढ रहा हूं गुलाब सिंह। अमावस की रात में चांद? तो ठीक कहता है गुलाब सिंह, अमावस की रात में चांद कभी नहीं चमकता, पर जानता है अपनी सारी जिंदगी ही अमावस्या की रात है। हम इन अंधेरों के बीच सदा अपनी जिंदगी की बाहें पकड़ने की कोशिश करते रहेंगे, पर वो अपने हाथ कभी नहीं आएंगी। और फिर गुलाब सिंह, एक दिन हम मौत की चादर में अपना मुंह लपेटकर इस दुनिया से मुंह छुपाकर चले जाएंगे। हाँ गुलाब सिंह, इन अंधेरी गारों में से हमें मौत के हाथ ही बाहर निकाल सकते हैं, जिंदगी के नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हो सरदार? काले कपड़े पहनकर हमेशा काली बातें ना किया करो। गुलाब सिंह, काली जिंदगी इन काले कपड़ों में अच्छी लगती है। अब तो सफेद कपड़े तभी पहनेंगे जब चार भाई हमें मरघट में उठा के ले जाएंगे। पर गुलाब सिंह, इसका कुछ पता नहीं कि चार भाई हमें फांसी के तख्ते से उठाएंगे या इस अंधेरी गारों में से। ये बात पक्की है गुलाब सिंह कि इस गरों में सरदार का हुक्म पत्थर की लकीर है? हुक्म दे के देख लो। तो फिर मैं हुक्म नहीं करूंगा, विनती करूंगा। हथकड़ियों को फूलों के गजरे समझकर ये अपने हाथ सजा लो, अपने आप को कानून के हवाले कर। ये क्या कह दिया सरदार? डर गया गुलाब सिंह, और अभी तो मैंने विनती की है, हुक्म देने की तो सोच रहा हूं। पर कुछ भी सोचने से पहले ये सोच लो सरदार के जेल की सलाखों के पीछे इन गारों से भी कहीं ज्यादा अंधेरा होता है। ये नहीं भूल गुलाब सिंह, जेल का अंधेरा उस रात का अंधेरा है जिसका एक ना एक दिन सवेरा जरूर होता है। अपराधी जेल में अपने कर्मों की सजा भुगत कर इस तरह बाहर आता है जिस तरह एक पापी गंगा से स्नान करके। गुलाब सिंह, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, अपने पास सोचने का वक्त अब भी है। उठ फरीदा उठ जरा, तुझे जगाए भोर, सच्चे तेरे साथ हैं पीछे रह गए। Thank you.
लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान। वो जिसकी गोद में गंगा जमुना लगा रही है तान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों। अपने सर पे सजी हिमालय की ये ऊंची चोटी, दूध का झरना बन के बैठी धारे छोटी छोटी, इनकी नदियों के पानी से, इनकी नदियों के पानी से भरी अनाज की कोठी, इसकी पूजा कर ले जिससे मिलती सबको रोटी। गौतम गांधी का हम सब ने पाया है वरदान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों। खेत खेत की पगडंडी पर आती है दुल्हनिया, पलचन हिल मिल गीत देश का गाती ये साजनिया, यहाँ की धरती मोती देती, यहाँ की धरती मोती देती सोने की ये गलियां, गांव की गोदी चोरी है ये अपने चमन की कलियां, मेहनत इनकी दुनिया हैरान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों। शहर से मेरा यार आया है लेके करतर साथ, अरे सारा गांव देखने आया लोहे की सौगात, हल चलावे बीज बिटाले, गौतम गांधी का हम सब ने पाया है वरदान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों। खेत की पगडंडी पर आती है दुल्हनिया, पलचन हिल मिल गीत देश का गाती ये साजनिया, यहाँ की धरती मोती देती, यहाँ की धरती मोती देती सोने की ये गलियां, गांव की गोदी चोरी है ये अपने चमन की कलियां, मेहनत इनकी, गौतम गांधी का हम सब ने पाया है वरदान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों। खेत की पगडंडी पर आती है दुल्हनिया, पलचन हिल मिल गीत देश का गाती ये साजनिया, यहाँ की धरती मोती देती, यहाँ की धरती मोती देती सोने की ये गलियां, गांव की गोदी चोरी है ये अपने चमन की कलियां, मेहनत इनकी, दुनिया हैरान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों।
मेरा यार आया है लेके चरतर साथ, अरे सारा गांव देखने आया लोहे की सौगात, हल चलावे बीज बिटाले ओ, हल चलावे बीज बिटाले, काम करे दिन रात, सबकी मुश्किल दूर होगी अब के बनेगी बात, अरे यही अकल का यही अकल का काम किया है सच्चा तू ही किसान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, हो जिसकी गोद में गंगा जमुना लगा रही है कान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों अहम के चोला जवान मोहब्बत इश्क मोहब्बत सर पे हाय रब चढ़ गई चढ़ गई इश्क मोहब्बत सर पे हाय रब। पंकज उधास की रसभीनी आवाज में आठ नए लगा, मैं उसे भी देख लूंगा। ओ कन्हैया, उस चमगादड़ बिछने की ये मजा कि मेरी जूती की धूल तक भी वो झांक सके। कल सवेरे इसका फैसला हो जाएगा। जगत सिंह चौधरी की मूछ को नीचे करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ। और अगर जन्मा हो तो फिर ओ, क्या बकवास करता है रद्दू राम के बच्चे। इसलिए तो मैं कब से बक रहा हूँ कि यह मूछे काली करवा लो तो ठीक है, बुढ़ापे में इज्जत तो खराब नहीं होगी और ये काली मुझे निकली नहीं होगी। मैं तेरी जुबान काट लूंगा। काट ले जुबान, मैं तो तेरी राम गऊ हूँ, चाहे जहाँ बांध ले, मगर भूल चूक के कहीं निंदी से ना झगड़ बैठना। ओए, उस चींटी के कब से पर निकला है? निकल तो आए पर तुम काट नहीं सकोगे। सीधी तरह बात कर, तू कहने क्या चाहता है? निंदी के पीछे शेरा है, शेरा के हाथ में दुनाली बंदूक है। मैं क्या बात है गुरुजी? बात बात कुछ नहीं, जल्दी से 10,000 रुपए निकाल कर हमारे हवाले कर दे, ये शेरे का हुक्म है। शेरे का? पर शेरे ने तो आज तक कहीं डाका मारा नहीं। ओए डाकू, डाका नहीं डालेगा तो क्या माला जपेगा? कहाँ है शेरा? मैं उसके पैर पकड़ कर कहूंगा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तेरा मतलब है छोटे छोटे कामों के लिए उसे खुदाना पड़ेगा? लेकिन भाई जो भी हो निकाल कर हमारे हवाले कर दे, हमारे पास इतना वक्त नहीं, नहीं तो भगवान कदम इस बंदूक की गोली तेरे सीने के पार कर दूंगा। चल। बस इतनी? कोई बात नहीं, बाकी यहां से पूरा कर लेंगे। चलो।
क्या हाल है दयाराम? ये भी खुद सही, पहले बेहाल कर दिया बाद में हाल पूछता है। ये क्या दयाराम, आज बड़ा कड़वा बोल रहा है? अपने डाकुओं से मेरी जिंदगी भर की पूंजी लुटवा कर मुझको हमदर्दी दिखाता है, तुझको शर्म नहीं आती? मेरे डाकू तुझको लूट कर ले गए? तू ठीक कह रहा है दयाराम, अनजान बनने की कोशिश न कर, मैं ये भूल गया था डाकू हमेशा डाकू ही रहता है। मगर तू याद रख कि डाकू के घर हमेशा अंधेरे रहेंगे और हम हमेशा भगवान के घर में दिए जलाते रहेंगे। मुझको अपनी माँ की सौगंध है, मैं तुम सबको कुत्ते की मौत मार दूंगा, वो हाथ काट दूंगा जिन्होंने गरीब का घर लूटा है या किसी भैंस के गले की सुहाग की निशानी छीनी है। सरदार, अगर तुझको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो तू अपनी बंदूक से हमारे सीने छलनी कर सकता है, पर इस तरह इल्जाम ना लगा। कुलार सिंह, इल्जाम कभी झूठा नहीं होता, सारा गांव झूठ बोल सकता है मगर वो गरीब दयाराम कभी झूठ नहीं बोल सकता जिसको तुमने मेरे नाम का सहारा लेकर बेसहारा कर दिया। ये सब गलत है, झूठ है, हमें दुर्गा माँ की सौगंध है सरदार, अपना कोई भी आदमी उस गांव में नहीं गया। गुलाब सिंह, झूठी सौगंध खाने का अंजाम जानता है? मैं कुत्ते की मौत मरने के लिए तैयार हूँ सरदार। जिसने शेरा के भेष में हमको बदनाम करने की कोशिश की है मैं उसका नामो निशान मिटा डालूंगा। आओ मेरे साथ। बात है कि नजदीक के गांव में डाका पड़े और हम चुप बैठे रहे। चौधरी, दिमाग ये मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं कि शेर जैसा आदमी इस तरह डाका मार सकता है। मैं खुद हैरान हूं कि शेर जैसा शेर इतना नीच काम कर सकता है। इसका मतलब तो यही हुआ कि बुजुर्गों की कही हुई ये बात बिल्कुल झूठ है कि शेर भूखा रह सकता है पर घास नहीं खाता। मगर भाइयों, बुजुर्गों की कही ये बात जरूर सच है कि आदमी को बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है कि शेरा किसी खास मजबूरी में फंस गया हो। क्यों नहीं हो सकता, मजबूरी तो आदमी से भीख मंगवा देती है, पर शेरा तो नामचीन डाकू है, भीख तो वो मांग नहीं सकता। गांव वालों, अगर वो नजदीक के गांव में डाका मार सकता है तो किसी दिन अपनी भी बारी आ सकती है। चौधरी, बात तो पते की कह रहा है, हमको शेरी की तरफ से होशियार रहना होगा। तू ठीक कहता है, तुम उसकी तरफ से होशियार रहो और मैं उसकी होशियारी देख लूंगा, आखिर पुलिस और कचहरी भी तो कोई चीज है। तू गांव का चौधरी है, हमारी हिफाजत करना तेरा फर्ज है। तुमको घबराने की कोई जरूरत नहीं, जाओ अपना अपना काम देखो, मैं सब ठीक कर लूंगा। चलो भाइयों, चौधरी के होते हुए किसकी चिंता है, चलो चले। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी, थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। हम तो दिल दे चुके, ओ, 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 हम तो दिल दे चुके, बस तेरी हार है बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ है, थोड़ा है बाकी। देश नो चलो, देश नो चलो, देश मांगता है कुर्बानियां, कानू पर देसा विच रोलिए जवानियां। अरे मेरा शरीर इस मिट्टी से बना है और इसी मिट्टी में मिल जाएगा। आजादी का सूरज देखने के लिए शायद हम में से कोई जिंदा नहीं रहेगा, हम एक ऐसी जंग लड़ रहे हैं जिसकी जीत हमारी मौत में है। आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इसे हमें कोई इतराज नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान।
हिंदुस्तान जिंदाबाद। मुसाफिर जाने वाले नहीं फिर आने वाले। धमाकेदार सफल फिल्म गदर एक प्रेम कथा अब वीडियो कैसेट और वीसीडी पर उपलब्ध सिर्फ टी सीरीज पर। निमो तू कब आई? चांद से चेहरे पर उदासी, क्या बात है? आज होली वाले दिन ना बोलने की सौगंध खा रखी है। निंदी ये बात नहीं, मेरा किसी काम में दिल नहीं लग रहा है। तुझे तो पता है कि शेरे के बारे में सारा गांव क्या बक रहा है, और गवर्नमेंट ने उसको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम रखा है। इसी वजह से मैं भी हैरान हूँ निमो, कि शेरे जैसे आदमी को ऐसा काम करने की क्या जरूरत पड़ी थी। तो तुझे भी गांव वालों की तरह यकीन है कि ये काम शेरे ने किया है? तू ही सोच, सभी को खुश देखने वाला किसी गरीब का घर कैसे उजाड़ सकता है। मैं उसकी मुंह बोली बहन हूँ, मगर मैं उसे अपना सगा भाई समझती हूँ। तू तो जानता ही है कि हम दोनों की खुशियों से वो कितना खुश है। निमो तूने मुझको शायद गलत समझ लिया, मैं तो खुद सोच रहा था शेरे से मिलकर उसकी बेगुनाही का पता करके गांव वालों को ललकार कर कह सकूं कि शेरा शेर है गीदड़ नहीं। अरे मैं इतना जलील नहीं कि गांव वालों की तरह शेरे को गलत समझूं। चल मैं तुझे घर छोड़ाऊं। इस
धरती का ऐसा पानी पाप न चढ़ता कहीं जवानी है। अपने मन ही के बस रहता ना करना तू ये मनमानी, ना करना तू ये मनमानी। दुनिया की बुराइयों का तू, बुराइयों का तू, दुनिया की बुराइयों का तू ले बैठा है ठेका। एक दिन बंदे देना पड़ेगा हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा, ओए हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा। भूल करके तू भूल जावे, भूल करके तू भूल जावे, जान के खावे जो धोखा। एक दिन बंदे देना पड़ेगा हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा, ओए हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा। आदमी ने तो चोरी तक को नहीं छोड़ा, मैंने तो 100 बार समझाया, जब देखा मुझ पर ताव देते पाया, लो अब लगा लो जोर। और आज ही शेर ने हमारे गांव पर ढाका डलवा दिया, अब शेरे को कोई नहीं रोक सकता। शेरे ने हमारे गांव पर गवा धोल बोल दिया है, अब उसे कोई नहीं रोक सकता। हाँ अरे ठीक ही तो कह रहा है, मेरे पास कौन सी बालियां रखी थी जो डाकू लूट कर ले जाते, 5 रुपए थे, ठर्रा पी गया। डाकू आगे मिल गया, साथ घर तो टाइम भी छोड़ देती है, पर तुझको अपने ही गांव में ऐसी हरकतें करते हुए शर्म आनी चाहिए। पहले तूने अपने आदमियों से तबाही करवाई, अब सफाई पेश करने आया। इसका जवाब मैं तुझे बाद में दूंगा चंदगी राम, पहले ये क्या कहो बदमाश किधर गए हैं? ओहो जैसे तुझको पता ही नहीं वो इधर गए हैं। जोर से शिकायत मत कर चौधरी, अगर चोटें खाई हैं तो दर्द भी सहना पड़ेगा। अगर मेरी बात मानकर दूसरा ब्याह कर लिया होता तो प्यारी प्यारी चाची तेरी शिकायत भी करती, साथ में सुनाती फिल्मी गाने। ओ बकवास बंद कर रुद्दू, दर्द के मारे मेरी जान जा रही है और तुझे मजाक सूझ रहा है? तो फिर मैं सुनाता हूँ तुमको गाना, तेरा दिल लगा रहेगा। हाय वो तो ले गए तिजोरी के डाकू तुझे कड़का कर गए, आए, आए, वो तो ले गए तिजोरी। लेटे रहो चौधरी, लेटे रहो, हम खुद बैठ जाएंगे। माल तो सारा ही ले गए और साथ ही कूट कूट के मेरी चटनी बना गए। चौधरी साहब तुम इसे चटनी कह रहे हो? इसे तो हलवा कहना चाहिए, हलवा। मैंने कहा थानेदार साहब ये चौधरी तो बिना बात पीसा गया। और चुप रहे उल्लू के पट्टे। मैंने कहा थानेदार साहब तुम्हारे पास लस्सी ले आऊं, ठंडी और मीठी। तो ये भी कोई पूछने की बात है, जा जल्दी ले क्या। अच्छा जी। चौधरी मामला बड़ा खतरनाक हो गया, परसों रात खैरपुर डाका पड़ा था, कल रात डाकू ने तेरे गांव पर हथ धावा बोल दिया। यही बात कल मैं अपने गांव के लोगों से कह रहा था,
कि कभी अपने गांव की भी बारी आ सकती है, पर मुझे क्या पता था कि गांव की बारी में पहला नंबर मेरा ही होगा। कितना नुकसान हो गया चौधरी तेरा? मेरा तो कुछ छोड़ा ही नहीं थानेदार साहब, मैं तो बुरी तरह बर्बाद हो गया, तबाह हो गया मैं। तेरा शक किस पर है? लो जी, शक की भी तुमने क्या बात कह डाली। सारी दुनिया जानती है कि शेरे डाकू ने इस इलाके में उधम मचा रखा है। शेरा? हाँ थानेदार साहब, जालिम को जरा भी दया नहीं। हमारे गांव के पढ़े लिखे किसान निंदी को, जो सारे गांव की शान है, जख्मी कर गया। अपनी तरफ से तो मारी गया था, पर तुम तो जानते हो जिसे राम रखे उसे कौन मारे। पर चौधरी, अब शेरे को कोई नहीं बचा सकता। जब चींटी की मौत आती है उसके पर निकल आते हैं, बस समझ ले शेरे का अंत आ गया है। जल्दी से कुछ करो थानेदार साहब, मैं तो लूट ही गया, पर जब कभी मैं गांव के गरीबों के बारे में सोचता हूँ तो मेरी देह कांप जाती है। तू फिक्र ना कर चौधरी, तू जल्दी ही सुनेगा शेरा फांसी के तख्ते पर चढ़ गया। अच्छा मैं चलता हूँ, निंदे की रिपोर्ट भी लेनी है। अच्छा, नमस्ते थानेदार साहब। भूल करके तू भूल जाए, भूल करके तू भूल जावे है, जान के खावे जो धोखा। एक दिन बंदे देना पड़ेगा हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा। हर दिन का लेखा, मुझे आज जिंदगी में पहली बार शर्म आ रही है। मेरे होते हुए मेरे यार को जख्मी करते। निंदी, मैं उन यारों में से नहीं जो यार का बदला न ले। ये चोट तेरे सिर पर नहीं, मेरे कलेजे में लगी है, कलेजे में। जो शेरे को उसकी मां का दूध याद न करवा दिया, तो मैं भी हरियाणा का जाट नहीं। और चंदगी राम, निंदी के कहने के हिसाब से तो शेरा बाद में आया, वे डाकू चौधरी को लूट के पहले ही जा चुके थे। चाचा तू तो ज्ञानी है, ज्ञान की बातें करता है, तू डाकू की चाल नहीं समझ सकेगा। बैठ जाइए। सत श्री अकाल। मैं चौधरी के पास सब कुछ पूछ के आया हूँ, सारे गांव का मुआयना भी कर आया हूँ। और सुना भाई निंदी, कहीं ज्यादा तो नहीं लगी? कहीं तो शहर के अस्पताल भेज दें। वैसे चौधरी को बड़ी फिक्र है तेरी, बड़ी तारीफ कर रहा था तेरी। इंस्पेक्टर साहब, ये तो चौधरी का बड़पन है, वरना मैं किस काबिल हूँ। अच्छा ज्ञानी जी, फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, आज से इस इलाके में पुलिस का पैरा और सख्त कर दिया जाएगा। अच्छा भैया जी, अच्छा भाई निंदी, बस फटाफट ठीक हो जा। हाँ नमस्ते ज्ञानी जी। ब्रिगेडियर फौजा सिंह, आज तेरी ये तोपें साबित करके दिखा दें कि ये सारे जवान देश के खंभे हैं और दुश्मन के लिए तंबे हैं। उड़ा दे तोते, मार ले मोर्चे। कप्तान खन्ना, तू भी कान खोलकर सुन ले, अगर अपने देश को किसानों की जरूरत है तो उसके साथ साथ मकानों की नहीं, सच मकानों की नहीं, जवानों की जरूरत है। ये तेरी बंदूकों के पटाखे ये साबित करके दिखा दें कि हमारे गांव का हर एक जवान, हर एक आदमी ब्रिगेड है, सूबेदार है, लपटैन है। उड़ा दो तोते, दो बुला दो बम। ओ किसके साथ बकवास कर रहे हो रघु राम? कर रहा थानेदार जी, काम कर रहा हूँ। जो काम आज तक पुलिस ने नहीं करके दिखाया वो मैं करके दिखाऊंगा। शेरा डाकू तो क्या, आज उसके बाप को ना पकड़ा तो मेरा नाम भी रद्दू राम नहीं। तो तुम जरा इधर हो जाओ, थोड़ा सा उधर हो जाओ, थोड़ा सा उधर हो जाओ। हाँ।
और पियो लस्सी ठंडी और मीठी। चलो बंदूकें। ए, कौन है तू? इस तरफ कहाँ जा रहा है? ओ डाकू, हमारे कपड़ों से नहीं पहचानता, हम मलंग होते हैं। कौन सी गुफा में रहते हो, कहाँ जाते हो तुम? घबरा गए? दोनों घबरा गए, घबरा गए। मैं बताऊं शेरे, तेरा नाम भी मालूम है, गुलाब। ओ गुलाब, दाढ़ी छोटी कर, नहीं तो जुए पड़ गए। हाँ जी। अपने असली भेस में आ। असली भेस? नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली 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 मार देगा। कैसे गोली मार देगा? तू फिर असली शेरा नहीं है। असली शेरा किसी को गोली नहीं मारता। तू कैसे मार देगा? तुझे कैसे मालूम कि कोई नकली शेरा भी है? मैं सब कुछ जानते हैं, असली बात नकली बात हर बात सब जानते हैं, जानते हैं, जानते हैं। आगे पीछे देख के पहरा, मुरझाया क्यों मुखड़ा तेरा है? जैसी करनी वैसी भरनी, दिल ना छोटा कर तू शेरा, दिल ना छोटा कर तू शेरा। तेरे दुश्मन तुझको ऐसे, तुझको ऐसे, तेरे दुश्मन तुझको ऐसे, जैसे हो एक धोखा। एक दिन बंदे देना पड़ेगा, हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा, अरे हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा, ओ हर दिन का लेखा। बेगम, ये बेगम। आज पहली बार बेगम ने धोखा दिया है। अरे ओ गुलाम, माँ गुलाम, तेरे कर्म में तो औरत का सुख ही नहीं है। जगत सिंह के भाजों को औरतों का क्या घाटा? हाँ भाई चौधरी बैठ जा, तेरे बगैर तो रौनक ही नहीं थी। और तुम्हारी मौज ही मेरी मौज है, खुश हो लूटो। चौधरी ये ले माल। ये माल तूने लूटा था ना? बिल्कुल ठीक। आप इसको अपना ही माल समझो, खाओ पियो और बाजड़ा। भाई चौधरी कुछ भी कहे, तू वाकई शेर दिल है। तुम सारे शेरों ने मिलकर ही मुझे शेर बनाया। मेरा दिमाग और मेरे सारे शेरों की मेहनत आज रंग लाई है। शेरे के बखी उधड़ दिए। पर उसने तो अब बाहर निकलना ही छोड़ दिया है। चौधरी, गवर्नमेंट ने जो 10,000 रुपया उसे पकड़ने के वास्ते इनाम रखा है, वो भी हमें ही लेना है। शाबाश बहादुरो, मुझे अब पूरी उम्मीद है कि वो गीदड़ अब मेरे शेरों से नहीं बच सकता। बस चौधरी, तू अब कोई ऐसा चक्कर चला या कोई ऐसा नाटक कि वो शेरे का बच्चा चट से हमारी मुट्ठी में आ जाए। और नाटक के बच्चों, नाटक करते वक्त ये तो सोचिया करो कि हाथ किधर पड़ना चाहिए। उस दिन तुमने सचमुच मेरी ऐसी हालत बना दी कि आज तक शिकायत चल रही। चौधरी, बड़े काम में थोड़ी बहुत मार तो खानी पड़ती, आगे से ख्याल रखेंगे। गलती माफ कर दो। उसमें माफी की क्या बात है, मैं तो तुमको समझा रहा था। अच्छा तुम मौज करो, मैं चलकर दूसरे नाटक के बारे में सोचता हूँ। है ओए आजा पठे, अब गुलाम। प्रेजेंटिंग द लेटेस्ट इन टीवी टेक्नोलॉजी, ओनली फ्रॉम डी सीरीज, अनमैच्ड क्वालिटी, अनबीटेबल प्राइस। D-Series, India's largest selling video systems with MP3, built-in amplifier, and with video games with full function remote. Widest range of video systems from 3995 to 9995 rupees, free gifts up to 3500 rupees, and with 6 months D-Series warranty. Thank you.
बता। गुलाब सिंह क्या खबर लेके आया? चारों तरफ पुलिस के भारी गश्त में ये बहुत मुश्किल कर दिया है कि बाहर निकलकर हम दुश्मन का पता लगा सके। ओ गुलाब सिंह, ये कब तक कलंक का टीका मेरे माथे पर लगा रहेगा और कब तक गरीबों के खून के साथ होली खिलती रहेगी? गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, तू सोच क्या रहा है? कोई तरकीब निकाल, मेरा खून खौल रहा है। मुझको ऐसा लगता है जैसे कोई लोगों के घर फूंक कर मेरे सीने में शोले भड़का रहा हो। कोई भेड़ों के सुहाग को लूट कर मुझे ललकार रहा है। गुलाब सिंह, ऐसे कब तक बुजुर्गों की तरह तमाशा देखते रहेंगे? पर सरदार, पुलिस के सामने डाकुओं का खुले तौर से बाहर निकलना नामुमकिन है। गुलाब सिंह, तकदीर ने इस माथे पर डाकुओं की मोहर जरूर लगा रखी है, लेकिन हम लुटेरे नहीं है गुलाब सिंह, हम लुटेरे नहीं है। आज हम लुटेरे बनकर उनकी आंखों में खटक रहे हैं जिन्होंने कभी हमें अपना रखाला समझा था। गुलाब सिंह, हमने अपने इलाके में अमन और चैन कायम रखने का बीड़ा उठाया था और ऐसा लगता है जैसे कोई इन हाथों से वो बीड़ा उड़ा करने गया हो। खून तो हमारा भी खौल रहा है सरदार, पर अपनी एक भी बस नहीं चलती। तकदीर थोड़ी देर के लिए दुश्मन की दोस्त बन गई, पर ये हरगिज न भूल सरदार कि हमने सच्चाई का बीड़ा उठाया है और जुल्म कभी सच्चाई का मुकाबला नहीं कर सकता। तू ठीक कहता है गुलाब सिंह। सरदार, थोड़ी देर के लिए तू भी नींद ले ले, बहुत दिन से तू सोया नहीं। नहीं गुलाब सिंह, नहीं, इन आंखों को अब नींद का नहीं दुश्मन का इंतजार है। मां, आज से 20 साल पहले इस इलाके के सुनसान जंगल से जिस फूल को मैं उठाकर लाया था, आज उस खिले हुए फूल की बेचैनी मुझसे देखी नहीं जाती। मां, मैं तो भूल ही गया था कि फूल हर जगह फूल ही रहता है, लेकिन खून हर जगह अपना रंग जरूर दिखाता है। डाकुओं में रह के शेरा को दूसरों की मुसीबतों के लिए तड़पता देखकर मुझे ऐसा लगता है कि मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो गया है, बहुत बड़ा पाप हो गया है। माँ, ये मेरा शेरा जो अपने माँ बाप से बिछुड़कर इन गंदे हाथों में न पलता तो आज सारे देश की तरक्की में उसका कितना बड़ा हाथ होता। माँ, मैं झोली फैलाकर तुझसे भीख मांगता हूँ कि मेरे शेरे को इन अंधेरी गारों से निकालकर इंसानों की दुनिया में ले जा, इसको इसके माँ बाप वापिस दे दे। तू उसको आशीर्वाद दे कि जीवन की सच्ची राह चलकर देश की सेवा कर सके। और अगर मां तू उसके कांधे पर बंदूक देखना ही चाहती है तो फिर इसको देश का सिपाही बना दे, ताकि ये डाकुओं की जहरीली मौत मरने के बदले देश के नाम पर शहीद हो जाए। बापू, शेरा, तू बैठे। हाँ बापू, मैंने सब कुछ सुन लिया है, पर तुझे किस तरह भूल गया कि कांटे ही फूल को जन्म देते हैं। बापू, मैंने जो कुछ भी किया है तेरे विचारों से किया है। बापू, सिर्फ जन्म देने वाला बाप नहीं होता, जिंदगी का सही रास्ता बताने वाला बाप होता है। जीते रहो शेरा बेटे, जीते रहो बेटे। आज जो तेरा असली बाप तेरे मुंह से यह बात सुनता तो उसका सीना दरिया की तरह चौड़ा हो जाता। बेटे, मैंने तेरे माँ बाप को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तेरे नसीब में इस गंदी हवा में रहकर जवान होना लिखा था तो मैं क्या करता। सुनो, आज से 20 साल पहले जंगल के बीच मैंने एक जख्मी और बेहोश बच्चे को देखा, उसे उठाकर मैंने अपना बेटा शेरा मान लिया। मान नहीं लिया बापू, तेरे ऊंचे विचारों की गोद में तेरे बेटे शेरा ने जन्म लिया है। धन्य है तू, धन्य है। चल मेरे साथ चल। सुन, मेरे पास तेरे बचपन की एक निशानी रखी है, शायद ये निशानी कहीं तुझे तेरे बचपन के आदमी से मिला दे। चल। बेटा शेरे, ये ले अपना बचपन, ये हार तेरे गले में ऐसा प्यारा लगेगा जैसे आकाश में चंदा। चौधरी, पार्वती, तुझे बुरा तो जरूर लगा होगा कि मैं चोरों की तरह घर में चला आया।
पर क्या करूं, अपने दोस्त की याद में कभी कभी मेरे पैर अपने आप इस घर की तरफ उठ जाते हैं। तू बड़ी भगवान है पार्वती, जो कहीं आज तेरा बेटा भी जिंदा होता तो गांव का माना हुआ आदमी होता। इस तरह ना कह चौधरी, माँ का दिल किस तरह मान सकता है कि उसका बेटा इस दुनिया में नहीं। माफ करना पार्वती, मैंने तेरा दिल दुखाया। मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही था कि जिसकी लड़की इतनी नेक और सियानी है उसका बेटा क्या होता। खुशिया कितना खुशनसीब था जिसके घर की तू जोत बनकर आई, पर वो बेचारा हमेशा के वास्ते चला गया। एक मैं हूं जो जीते हुए भी इस जोत की एक किरण भी नहीं ले सकता। हां पार्वती, इसको मैं अपनी तकदीर समझू या तेरे मां बाप की जिद। चौधरी, पुरानी कहानी छेड़ने का कोई फायदा नहीं। पार्वती एक नारी है, हिंदुस्तानी नारी, जिसकी तकदीर का फैसला उसके माँ बाप ही कर सकते हैं। मेरी नजर में तू आज भी 20 साल पहले ही वाली पार्वती है। प्यार सालों के साथ नहीं, दिल के साथ नापा जाता है। अगर उस वक्त लुक छुप कर मिलते तो सारी दुनिया शक करती, लेकिन आज इस उम्र में हम कुछ भी कर लें तो कोई शक नहीं करेगा। चौधरी, दिमाग तो ठीक है तेरा, इससे पहले कि चौधरी की इज्जत नाम पर चढ़ जाए निकल जा मेरे घर से, फिर इधर आने की कोशिश ना करना। लगता है 20 साल पुरानी गलतफहमी आज तक तेरे दिमाग से नहीं निकली। आंखें गीली मत कर पार्वती, कभी कभी आदमी पुरानी यादों में बह जाता है। तूने बहुत अच्छा किया जो मुझे डांट दिया, मैं फिर इस घर में कभी नहीं आऊंगा। इस धरती का ऐसा पानी, पाप न चढ़ता कहीं जवानी है। अपने मन ही के बस रहता, ना करना तू ये मनमानी, ना करना तू ये मनमानी। दुनिया की बुराइयों का ले बैठा है ठेका, एक दिन बंदे देना पड़ेगा। हर दिन का लेखा ओ, हर दिन का लेखा ओए, हर दिन का लेखा ओ, हर दिन का लेखा। माँ, तू रो रही है माँ, क्या बात है? नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। कुछ बात जरूर है माँ, जिसे तुम मुझसे छुपा रही है। नहीं लाडली, मैं तुझसे क्या छुपा सकती हूँ। ऐसे ही अकेले बैठे बैठे तेरे बापू और तेरे भैया याद आ गए थे। तू भी कमाल करती है माँ, ज्ञानी जी के बार बार ज्ञान देने के बावजूद तू ये नहीं समझ सकी कि दुनिया चला चली का मेला है। देख माँ, मैं भी तो तेरा जीता जागता बेटा हूँ। लेकिन इस बेटे को तो विदा करना है, बस तेरे हाथ पीले हो जाए तो मेरी सारी चिंता दूर हो जाएगी। चल उठ, रोटी खा ले, चिंता करने से भूख मर जाती है। चल उठ, चल ना, चल। क्या पढ़ रहा है निंदी? हाँ चाचा, आज खेत में कोई खास काम नहीं था, मैंने सोचा चलो कुछ पढ़ लूं। ओ बेटे, किताबें पढ़ पढ़ के तो तू गवर्नमेंट से इनाम ले ही चुका है, हम भी तुझको एक इनाम देने वाले हैं। इनाम? कैसा इनाम चाचा? वो इनाम जिसकी हर जवान चोरी करने की कोशिश करता है। देख चाचा, चोरी वोरी की कोई मेरे साथ बात मत कर। चाचा, मैंने किसकी चोरी की? ओ तू कच्चा चोर है निंदी, चोरी वो होती है जो पकड़ी न जाए। चाचा, तूने कैसी चोरी पकड़ी? मैं अकेला पकड़ लेता तो कोई बात नहीं थी, सारा गांव तुझको चोर कह रहा है। गांव की तो ऐसी की तैसी। ये बता चाचा, मैंने क्या चुराया है? ओ बेटे, नाराज हो गया क्या? तुझको निम्मो पसंद है और निम्मो को तू पसंद है, तो फिर दोनों को चोरी करने की क्या जरूरत थी? अच्छा, तो ये किस्सा है? पर ये सब झूठ है चाचा। तुझसे मैंने पहले ही कहा था बेटे, बड़ों के आगे झूठ नहीं बोला करते। ये चाचा तू ठीक कहता है,
ना बड़ों के आगे झूठ बोलना चाहिए, ना ही जुबान खोलनी चाहिए, और जैसे तेरा दिल चाहे तू कर। सारी बातें तुम्हें पार्वती के साथ करके ही आया हूँ, सिर्फ तेरे हाँ कहने की जरूरत है। अगर चाचा ही हाँ कर रहा है तो भतीजा कैसे ना कर सकता है। अच्छा तो खा ये लड्डू, तेरे वास्ते पार्वती ने भेजा है, खा बेटे तू जीता रह। मिलती ट्रेनिंग के साथ साथ धर्म शिक्षा की ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है। ये आजकल के लड़के अपनी असली सभ्यता को भूल चुके हैं और वह ऋषि मुनियों का मजाक उड़ाते हैं। फूट गई किस्मत, गीता का उपदेश है कि आत्मा की आवाज सुनो, ये मिट्टी का शरीर किसी काम नहीं आता। आजकल जिधर भी देखो टेढ़ी नजर वाले फिरते हैं। हाँ? पर तुम अपनी नजर टेढ़ी मत रखना, सीधी रखना। हाँ? आगे भी कुछ बको महाराज। चुप है, जो कहना था कह दिया, अब तुम सारे अपनी आंखें बंद करो और अंतर ध्यान हो जाओ, हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, और प्रभु के दर्शन करो। मैं भी जरा देवी के दर्शन कर लूं। ये क्या हो रहा है रघुराम जी? ओए होए, फूट गई किस्मत, तुझको दिखाई नहीं देता, बच्चों को धर्म शिक्षा दे रहा था, पर तुमको तो प्रेम शिक्षा देने आया हूँ। चलो फिर तालाब पर चलें। क्यों, मछलियाँ पकड़नी है? ऐसा कुछ नहीं, तू चल तो सही, मैं बगैर कांटे वाली मछली को पानी में उतार कर जल परी बनाऊंगा और फिर देखूंगा तेरा डांस, तेरा नाच। झूठा कहीं का, तुझे प्रीत भी नहीं आती। तुम मैंने कहा महाराज, प्रभु का दर्शन कहीं नहीं मिला। चुप रहे उल्लू के पट्टे, प्रभु को पाना कोई इतना आसान नहीं, यहाँ लड़कियों को बनाते बनाते सारी उम्र निकल जाती है, वह तो फिर भी प्रभु है। अच्छा रघुराम जी, तुम प्रभु का नाम जपो, अगर मिल गए तो हमें भी दर्शन के लिए बुला लेना, मैं चली। हाँ तुम अपनी विजय कुमारी के साथ ही प्रीत करो तो अच्छा है। मर जाए पैदा कराने वाली दाई, जिसने मुझे प्रीत करनी ना सिखाई। आए रब्बा, मैंने ज्ञानी जी के साथ सारी बातें पक्की कर ली है, पर तुझसे पूछना मेरा फर्ज है बेटी। हमारे जमाने की बात और थी, माँ बाप ने जो भी कहा वही चल पड़े। माँ मुझे भी तो उसी जमाने की समझना, जमाना कभी नहीं बदलता, आदमी बदल जाते हैं। तू मेरे लिए जो भी सोचेगी अच्छा ही सोचेगी। इसका मतलब तो यही हुआ कि तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। अमावस की रात का कोई चमकता तारा मेरी आंखों को आजाद करे तो देखूं। मैं तो खुद तेरी आंखों में कैद हूँ और मैं जिंदगी भर इस कैद से निकलना नहीं चाहती। मैंने कहा सोने हो, क्या बात है, ये हीर बन के किधर चली हो? अपने रांझे की तलाश में। कितना खुश नसीब होगा वो रांझा जो तेरा प्यार पाएगा। बस जल गया, जब तू शहरी बाबू बन सकता है तो मैं गाँव की गोरी नहीं बन सकती। बन जाना गोरी, गाँव की गोरी। गांव की गोरी और शहर का बाबू, जब देखो तब इशक। भाई इशक तो छुपा छुपी का खेल हो गए, अगर तुम्हें इशक की इतनी आग लगी है तो किसी दरिया किनारे चले जाओ और दोनों मौज उड़ाओ। अरे इशक तो हमने भी किया है, पर इस तरह नहीं, लोगों से हटके। तुमने तो सारा पढ़ा लिखा ही खो दिया और दुनिया वाले ने कोई इशक का सर्टिफिकेट नहीं देंगे, और खेती बाड़ी में तो मिल ही चुका है। इशक कमती किया करो, काम ज्यादा। मैंने कहा जी कहां भागी जा रही हो? से बना बतिया, वही से बना।
रांझे की पेश ना आवे, हाय भोले रांझे की, हाय भोले रांझे की पेश ना आवे, कहीर जब करे नखरा, हाय कहीर जब करे नखरा, हाय होए चढ़ गया है, ये चढ़ गया है प्यार का पानी, तो चढ़ती जवानी देख के, हाय तो चढ़ती जवानी देख के, हाय होए होए। ये टोली पंछियों की दे रही बधाइयां, ये टोली पंछियों की, ये टोली पंछियों की दे रही बधाइयां, कि तेरे जैसा साथी देख के, रेशमी के फंदे में फंस के बाल रेशमी, हाय हाय बाल रेशमी के फंदे में फंस के, कलेजा छिन गया रांझे का, हाय कलेजा छिन गया रांझे का, हाय हाय। बिच रखना है रखना हीर तुझको, हीर तुझको कलेजे बिच रखना, कसम मुझे मेरे रब की, है कसम मुझे मेरे रब की, है है। पिया हूँ तुझे अनूठा रंग मल के, पिया हूँ तुझे, पिया हूँ तुझे अनूठा रंग मल के, कसम मुझे मेरे रब की, है कसम मुझे मेरे रब की, ला 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 ला। कॉलर को थोड़ा सा ऊपर चढ़ा के, सिगरेट के धुएं का छल्ला बना के, सोचना है क्या जो होना है होगा, चल पड़े हैं फिक्र यार धुएं में उड़ा के, जाने क्या होगा रामा रे, जाने क्या होगा मौला रे। हो मेरी आँख जब तुझसे लड़ गई रे, लड़ गई रे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई रे, बढ़ गई रे, बढ़ गई रे।
कौन हो सकता है? नहीं माँ, मैं देखती हूँ। क्या बात है भाई, कौन है तू? मुझे पता था बहन, तू मुझको पहचानेगी नहीं। मेरा नाम गुलाब सिंह है और मैं शेरे का आदमी। शेरे का आदमी इस वक्त यहाँ क्या लेने आया है? माँ जी, तुम घबराओ नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। आधी रात गए डाकू घर में आए और डरने लगे? अगर मैं दिन में आ सकता होता तो मुझको रात के अंधेरे में छुप छुपा के आने की क्या जरूरत थी? मैं तो शेरे की जिंदगी के लिए निम्मो बहन के पास आया। क्या बात है गुलाब सिंह, क्या हुआ मेरे भाई को? तू उसकी करतूत सुन के भी शेरे को भाई कह रही है? एक लुटेरा तेरे भाई कैसे हो सकता है? हाँ माँ जी, तुम भी सारे गाँव की तरह बातें करती रहो, पर ये बात गलत है। करने वाला कोई और है और नाम शेरे का बदनाम हो रहा। चालबाजियां ना कर, शेरे के अलावा और कौन हो सकता है जिसने हंसते गांव का अमन लूट लिया है? माँ जी, इसी का पता लगाते लगाते तो शेरा जख्मी हुआ। जख्मी हालत में भी उसकी आंखें दुश्मन को ढूंढ रही थी। क्या दुश्मन उसके हाथ नहीं आया? अगर वो हमारे हाथ चढ़ जाता, दुर्गा माँ की सौगंध, शेरा उसके कुल का नाश कर देता। उसी पापी की तलाश में कितना बेचैन है हमारा सरदार। पता नहीं कितनी रातें शेरे ने आंखों में ही निकाल दी। ना कुछ खाता है ना कुछ पीता है। पर इस बात से हमारा क्या मतलब? डाकुओं के लिए मैं अपनी बेटी की जान खतरे में नहीं डाल सकती। ऐसा न कह माँ, किसी की जान बचाना मेरा फर्ज है। मेरे पेशे के सामने डाकू या जज में कोई फर्क नहीं। और फिर शेरा तो मेरा भाई है, तो सोच माँ, मेरी इज्जत बचाने वाली की जान बचाना क्या मेरा फर्ज नहीं है? क्या बहन अपने भाई की तकलीफ सुनकर उसके पास नहीं जाएगी? मैं जरूर जाऊंगी माँ। निम्मो, अपनी जान खतरे में मत डाल, मैं जरूर जाऊंगी। बच्चों वाली जिद छोड़, डाकुओं के अड्डे पर मत जा। एक बहन अपने भाई के पास जा रही है माँ, डाकू के पास नहीं। चल गुलाब सिंह, ला ये बैग मुझे दे दे। निम्मो, जिस भाई की ऐसी होशियार बहन हो उसका तो मौत भी कुछ नहीं कर सकती। तुझको मेरी कसम, सच सच बता, तुझको तो मुझसे कोई शिकायत नहीं? मैं गांव में तुम्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। भैया ऐसा ना कहो, मुझे गुलाब सिंह ने सब कुछ बता दिया। मैं सारे गांव में शोर मचा दूंगी कि तेरा भाई, मेरा भाई निर्दोष है। भैया तुम दो तीन दिन में बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बाकी दवाइयां मैं गुलाब सिंह के हाथ भिजवा दूंगी। अच्छा भैया अब मैं जाऊं? ठहर बहन, ठहर जा। बहन अपने भाई के घर से कभी खाली हाथ नहीं जाती। क्यों शर्मिंदा कर रहे हो भैया? भाई का प्यार ही बहन की सबसे बड़ी दौलत होती है। तो ठीक कहती है, लेकिन भाई का भी कुछ धर्म होता है, कर्म होता है। और यहाँ मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। मेरे पास सिर्फ एक अपने बचपन की छोटी सी निशानी है, उसे स्वीकार करने से तो इनकार न करना। ले, मैं अपने हाथों से अपनी बहन का गला सजा देता हूं।
आ गई नीमा, मुझे तो सारी रात तेरी फिक्र में नींद नहीं आई। कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मेरे होते हुए मेरी बहन को क्या तकलीफ हो सकती है माँ जी? तू ये हार कहाँ से लाई? माँ, मैं आज पहली बार अपने भाई के घर गई थी ना, उन्होंने मुझे ये हार दिया है। इसे तो ले माँ, इसको अपने पास संभाल कर रख, ये मेरे भैया की निशानी है। शेरे ने ये हार कहाँ से लूटा? माँ जी, मालिक की जाने, तुम कब तक हम पर शक करती रहो? ये हार शेरे ने लूटा नहीं। तो फिर बता, ये हार उसके पास कहाँ से आया? ये तो बचपन से ही शेरे के गले में पड़ा हुआ था, जब हमारे सरदार जरनैल को वो जंगल में बेसहारा पड़ा मिला था। टिप्पू, मेरे लाल, मम्मू, मेरा भाई जिंदा है। शेरा, शेरा, शेरा नहीं, टिप्पू मेरा बेटा है। गुलाब सिंह। हाँ माँ जी। जल्दी से मुझे मेरे बेटे से मिला दे, जल्दी से। चलो माँ जी, आओ निम्मू बहन। गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह बोल, किसने तेरी याद करके अपनी मौत को बुला भेजा है? गुलाब सिंह बोल। निम्मो तेरी बहन है। क्या हुआ निम्मो को? बोल गुलाब सिंह, क्या हुआ मेरी निम्मो को? सरदार, जो हार तूने निम्मो को दिया था, उसने बरसों का छुपा हुआ भेद खोल दिया है। निम्मो बहन तेरी मुंह भोली बहन नहीं,
वो तेरी सगी राम सिंह और पार्वती तेरी माँ है। वो दोनों तुझसे मिलने के लिए मेरे साथ आ रही थी काली गुहा के पास। जगत सिंह चौधरी के आदमी दोनों को उठा ले। गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, गुलाब सिंह, क्या कह गया गुलाब सिंह? तुझसे लड़ गई रे, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई रे, बढ़ गई रे। गोरे तन से सरकता जाए मेरा दिल ये धड़कता जाए, दुपट्टे को संभाल सोनिए, बुरा है मेरा हाल सोनिए। A range of blank audio cassettes from T-Series, rugged, dynamic, and pure quality. Parvati, अगर तू हमें अपने घर आने जाने से नहीं रोकती, तो आज हमें ये तकलीफ नहीं उठानी पड़ती। खैर, कोई बात नहीं। अब तो हमें जीवन भर इकट्ठे ही रहना है। नहीं। तू क्यों घबराती है लड़की? तेरी माँ के साथ तो हमारा बहुत पुराना प्यार है। चौधरी क्यों बुरा लगा? कुत्ते रस्सी खोल तो तुझे बताऊं अच्छा बुरा क्या होता है। अबे गीदड़ की औलाद, पंजरियों पर हाथ उठाकर अपने आप को शेर समझता है? आने का चूत दिया है? पार्वती बात मान ले, अभी कुछ नहीं बिगड़ा। तू इस वक्त भी हमारे दिल पर राज कर सकती है। पार्वती देख, तेरे आंसू इस दिल के शोले नहीं बुझा सकते। अगर आज से 25 साल पहले हमारी बात मान लेती तो ना बेचारे खुशिया की जान जाती और ना तू इस तरह अपनी जवानी जलाती। दीपू के पिता का खून, आज भी तू चाहे तो कई खून होने से बच सकते हैं। कुत्ते कमीने, तेरी ये गंदी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। तू इस तरह नहीं मरेगी। लाल सिंह देखता क्या है? हराम जादे अपनी कमीनी हरकतों से बाज आ जा। चुप कर बदतमीज। लाल सिंह तू तो रुक गया, अपना काम कर। नहीं, नहीं, आपको तो इस तरह याद करती है जिस तरह द्रौपदी ने कृष्ण भगवान को याद किया। बांधो उसके कपड़े। कौन बचाता है इसकी लाज? जगत सिंह शेरा शिकार गोलियों से नहीं खेलता। खबरदार, और शाहजहां के बच्चों, मेरे शेरा को मारने से पहले अपने सर पर अपनी मौत बनाए थे वो देख लो।
मामा, खोल अपनी बहन की रस्सी। उठ! उठा कुत्ते। अब खोल जाओ इसको। नहीं नंदी, ये मेरा हिस्सा है। तुम मां और निम्बू को संभाल और चंदगी राम को भी खोल दे। सबका पेड़ साथ और इनको दिखा दो कि किस तरह हमारा सरदार इनके पाजी चौधरी को कुत्ते की मौत मारता है। चलाओ। ओ जवानों, इन कुत्तों ने हमारे सरदार को बहुत बदनाम किया है। मार दो इन बदमाशों को। ली जरनैल सिंह, निहत्तों पे वार करना कहां की दिलेरिया है। अगर माँ का दूध पिया है तो खाली हाथ लड़के दिखाओ। झोटों के झोटों से झोटों से बैठ करके दिखाओ। समझे बहादुर, फेंक दो अपनी बंदूकें और बुलंद बादशाह को दिखा दो कि हमारी आज भी बंदूकों से कम नहीं है। तो ये हुई ना बात। शाबाश, गाजर मूली की तरह चबा जाओ। मलंग तू, आंखें कौड़ी मत कर शेरे। मलंग कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। हमने जो कुछ किया है तुम्हारी भलाई के लिए किया है। हमारे एक्शन को गलत मत समझो। साहब, आपका प्लान मिनट हर मिनट कामयाब हुआ। आपके लगाए हुए ट्रांसमीटर ने जगत सिंह के सारे बयान रिकॉर्ड कर लिए, जिनमें जगत सिंह ने खुशी राम के खून का इकरार किया है। वेरी गुड, चल ले जा यहां से इसको। उठ 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 तेरी मलंग। अब पुलिस का अफसर और पुलिस वाले मलंग ही तो होते हैं जिनका काम है लोगों की सेवा करना। आज हम तुम्हारी सेवा में हाजिर हुए। इसका पता तो लग चुका है कि तू बिल्कुल निर्दोष है। तेरा कोई जुर्म नहीं है, तूने कुछ नहीं किया। पर ये जगता गया तख्ते पे फांसी के, फिर तू क्यों उसके खून से हाथ रंग कर खामखा पाप का भागी बन रहा है। साहब, अगर सारे पुलिस के अफसर तुम जैसे हो जाए तो भगवान की कसम किसी इलाके में कहीं डाके ना पड़े, कोई बड़ा आदमी ना हो। शेर है तू, वाकई शेर है। अगर डाकुओं के जंगल में तुम्हारे जैसे फूल पैदा हो जाए तो डाकुओं की सिर्फ कहानियां रह जाएं। साहब, सारे डाकू गिरफ्तार करके गाड़ी में बिठा दिए गए हैं। शेरे, ये क्या, तेरे जैसे बहादुर आदमी की आंखों में आंसू? नहीं साहब जी, ये आंसू नहीं है, ये तो बहुत बरसों की छुपी खुशी है।
मेरी आंखों से बह निकली है। जिस मंजिल पर पहुंचने के वास्ते में तरस रहा था, मुझको क्या पता था वो मेरे पास चल के खुद आ जाएगी। चिंता न करो माँ जी, मैं शेर को बाइज्जत बरी करवाऊंगा और जब शेरा वापस आएगा इसके कंधे पर बंदूक नहीं हल होगा। ये तेरा हो मेरे बेटे। ये ले तू अपनी इज्जत, भगवान करे तू इज्जत के साथ वापस आ। लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान। वो जिसकी गोद में गंगा जमुना लगा रही है कान, लाखों रंगों से रंगना है अपना हिंदुस्तान, लाखों रंगों